दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं चील, बाज और गिद्ध की। आपके मन में भी सवाल उठते होंगे कि इन तीनों में कौन सा पक्षी सबसे ज्यादा शक्तिशाली है और इन तीनों पक्षियों की क्या क्या खूबियां हैं, इनमें से कौन सा पक्षी सभी पक्षियों का राजा कहलाने लायक है। तो दोस्तों आप भी इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चील यानी ईगल, जिसे आम भाषा में चील या गरुड़ के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों चील एक ऐसी शिकारी पक्षी है जो अपने तेज, शक्तिशाली और अचानक झपट्टे के लिए भी जाने जाते हैं। चील की लगभग 60 प्रजातियां इस दुनिया में मौजूद हैं। ये अंटार्कटिका को छोड़कर आपको पूरी दुनिया में ही मिलेंगे। अगर इसके साइज की बात करें तो ये तकरीबन 2 फीट लंबी चिड़िया होती है, जिनकी पूंछ लंबी और 2 फंगी रहती हैं। गिद्ध की तुलना में ये छोटे और हल्के होते हैं। इनका वजन मात्र 3 से 4 किलोग्राम तक होता है, लेकिन इन्हें कमजोर समझने की भूल बिल्कुल ना करें। ये मध्यम आकार की बेहद ही आक्रामक चिड़िया हैं, जिनका सर छोटा और पंख काफी लंबे और संकरे होते हैं। चील के पर आमतौर पर सुनहरे, काले और भूरे पंख होते हैं। इनकी सबसे बड़ी पहचान इनकी चोंच है, जो पीले रंग की होती है। चील इतने शक्तिशाली और ताकतवर पक्षी होते हैं, ये करीब 5 से 6 किलोग्राम वजनी जानवर को लेकर भी उड़ सकते हैं। चील की दृष्टि भी काफी तेज मानी जाती है। कहा जाता है चील जैसी आंखें इंसान के पास हो तो इंसान बहुत दूर तक आसानी से देख सकता है। यही नहीं, चील की आंखें 340 डिग्री कोण तक देख सकती है, जबकि इंसान की आंखें सिर्फ 180 डिग्री तक ही देख सकती हैं। चील उड़ने में भी बड़ी तेज होती है। ये हवा में 12,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकती है, जिसमें गोल्डन ईगल नामक चील की प्रजाति 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती है और अपने शिकार का पीछा कर हवा में ही अपने शिकार को दबोच लेती है। इनके पंजे बहुत नुकीले और तेज होते हैं, जिससे ये अपने शिकार को चीर फाड़ देते हैं। दोस्तों बात करें इनके शिकार करने के तरीके की, तो ये अधिकतर अपने शिकार को उड़ते वक्त ही पकड़ लेती हैं और वही फाड़ देती हैं। ये अपने शिकार को उठाकर ऐसी जगह ले जाती हैं जहां उसे आराम से चीर फाड़ करके खा सके। इनके सबसे अच्छे भोजन में सांप, चिड़िया और मछलियां होती हैं। चील की अधिकांश प्रजाति ऊंचे पेड़ों और चट्टानों पर ही अपना घोंसला बनाना पसंद करती हैं, जिसमें से गोल्डन ईगल का घोंसला सबसे बड़ा और मजबूत माना जाता है। एक शिकारी पक्षी होने के नाते कभी कभी तो चील दूसरे पक्षियों के घोंसले को भी छीन लेती हैं और उसमें ही अपने अंडे दे देती हैं। चील के बच्चों को उड़ने की ट्रेनिंग एक मादा चील ही देती है। जब माँ को लगता है बच्चा उड़ने लायक हो गया है तो वह उस बच्चे को बहुत ऊंचाई पर ले जाती है और उसे छोड़ देती है। जब बच्चा जमीन से कुछ ही फीट ऊंचाई पर रह जाता है तो उसे पकड़ लेती है और दोबारा ऊंचाई पर ले जाकर छोड़ देती है। ऐसा वो बार बार करती है, जिससे बच्चे के मन से ऊंचाई का डर निकल जाए और बच्चा उड़ने लग जाए। ईगल की उम्र लगभग 40 से 70 साल की हो सकती है। दोस्तों ईगल दिखने में शक्तिशाली और ताकतवर पक्षी ही नहीं होते, इनकी लाइफस्टाइल भी बड़ी स्टाइलिश होती है। इन्हें सभी चिड़ियों का राजा भी कहा जाता है, तभी तो अमेरिका, रशिया और जर्मनी जैसे देशों में ईगल को राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है। आइए अब बात करते हैं हॉक की। हॉक यानी बाज, बहुत से लोग ईगल को ही बाज समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बाज बहुत खूंखार किस्म के शिकारी पक्षी होते हैं, जो छोटे छोटे जीव जंतुओं को अपना शिकार बनाना पसंद करते हैं। ये काफी तेज गति से उड़ने में माहिर होते हैं और पलक झपकते ही अपने शिकार को ले उड़ते हैं। अगर हम इनके उड़ने की स्पीड की बात करें तो इनकी स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है, जो चील और गिद्ध के मुकाबले काफी ज्यादा है। इनके पंख लंबे और काफी स्ट्रीमलाइन आकार के होते हैं, जो इन्हें तेजी से उड़ने में काफी मदद करते हैं। बाज चील और गिद्ध के मुकाबले साइज में थोड़े छोटे होते हैं, ये केवल 3 किलोग्राम ही वजनी होते हैं। वहीं इनके पंखों का फैलाव 8 फीट तक हो सकता है। ये अपने लंबे और चौड़े पंखों और पूंछ की बदौलत ज्यादा देर तक हवा में रह सकते हैं। ये एक बार उड़ान भरने के बाद 6 से 8 घंटे तक हवा में रह सकते हैं। इन्हें अधिकतर ब्लू और ग्रे रंग में देखा जाता है। ये अपने काले और सफेद धब्बों की वजह से पहचाने जाते हैं। पूरी दुनिया में ही बाज की तकरीबन 1500 से 2000 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये तरह तरह के नामों से जाने जाते हैं। ये भी चील और गिद्ध की तरह अंटार्कटिका को छोड़कर हर महाद्वीप में पाए जाते हैं। बाज अपने 2 मजबूत पैरों की मदद से जमीन पर भी तेजी से दौड़ लेते हैं। दोस्तों बाज चूहे, खरगोश और बड़े कीड़ों का शिकार करना पसंद करते हैं। बाज चट्टानों, पहाड़ियों, पेड़ों और कभी कभी जमीन पर ही घोंसला बना देते हैं और उसी जगह अंडे दे देते हैं।
नर और मादा दोनों ही मिलकर अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। बात करें इनके जीवन काल की तो एक बाज का जीवन काल 17 साल का होता है। दोस्तों बाज चील के जैसे ही शिकारी पक्षी होते हैं, लेकिन ये चील से कम ताकतवर होते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं वल्चर की। वल्चर यानी गिद्ध। दोस्तों गिद्ध एक ऐसी बदसूरत चिड़िया है जिसे मांस खाना पसंद है और जिसे एक मांस खाने वाले मुर्दाखोर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये अधिकतर मरे हुए जानवर को ही अपना भोजन बनाना पसंद करते हैं। गांव में एक कहावत है, गिद्ध की नज़र बहुत ही तेज होती है, जिस पर पड़ जाए उसे छोड़ती नहीं। एक अनुमान के अनुसार गिद्ध की दृष्टि 4 मील की ऊंचाई से पृथ्वी पर मौजूद 3 फीट तक की चीज़ों को आराम से देख सकती है। यही नहीं, इनके सूंघने की शक्ति भी और पक्षियों के मुकाबले काफ़ी तेज होती है। गिद्धों में भी सबसे तेज सूंघने की शक्ति टर्की वल्चर के पास है। यह तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी से ही मरे हुए जानवर की गंध सूंघ लेते हैं। दोस्तों वैसे तो गिद्ध की पूरी दुनिया में कई प्रजातियां हैं, लेकिन गिद्ध की प्रजातियों को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला, पुराने ज़माने के गिद्ध जिन्हें ओल्ड वर्ल्ड वल्चर कहा जाता है, यह यूरोप, एशिया और अफ्रीका में पाए जाते हैं। दूसरा, नए ज़माने के गिद्ध जिन्हें न्यू वर्ल्ड वल्चर कहा जाता है, जो सिर्फ नॉर्थ और साउथ अमेरिका में ही देखे जाते हैं। दोस्तों बात करें इनके वजन की तो आमतौर पर गिद्ध का वजन 5 से 10 किलोग्राम तक हो सकता है, लेकिन एक रिसर्च के दौरान गिद्ध की सबसे बड़ी प्रजाति का वजन 14 किलो पाया गया है। आज के समय में पाए जाने वाले गिद्ध देखने में बहुत ही विशालकाय और नंगी खोपड़ी वाले होते हैं, क्योंकि इनके पूरे शरीर पर सिर्फ बाल ही बाल होते हैं सिवाय खोपड़ी को छोड़कर। अलग अलग प्रजातियों के गिद्धों का वजन और पंखों का साइज भी अलग अलग होता है, जो 1.5 मीटर से लेकर 2.5 मीटर तक हो सकता है। गिद्ध की चोंच अन्य शिकारी पक्षी की तरह ही टेढ़ी होती है, लेकिन इनकी चोंच, नाखून और पंजे चील और बाज की तरह इतने मजबूत नहीं होते। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके शरीर की बनावट एक मरे और सड़े हुए जानवर के मांस को खाने के लिए ही बनी होती है। गिद्ध दुनिया में सबसे ऊंची उड़ान भरते हैं, चील और बाज से कहीं ज़्यादा। इनकी सबसे ऊंची उड़ान जो कैमरे में कैद हो गई थी वो थी 37,000 फीट की ऊंचाई पर। इतनी ऊंची उड़ान और कोई पक्षी भरेगा तो ऑक्सीजन ना आने से वो पक्षी मर सकता है। गिद्ध सिर्फ 60 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ते हैं। ये अधिकतर हवा की दिशा में ही उड़ते हैं, जिससे उनकी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट ना हो। यही नहीं, गिद्ध भोजन की तलाश में 2500 किलोमीटर की दूरी भी तय कर लेते हैं। गिद्ध एक मुर्दाखोर जानवर है जो कोई गंदी और घिनौनी चीज़ खाने से भी नहीं चूकते। ये मृत शवों को समाप्त करके उनसे होने वाली बीमारियों को भी रोकते हैं, इसलिए इन्हें पर्यावरण सफाई कर्मियों के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो गिद्ध को सड़ा हुआ मांस और मृत शवों को खाने के लिए ही जाना जाता है, लेकिन सभी गिद्ध सड़ा हुआ मांस नहीं खाते। पाल्म नट वल्चर कई तरह के अखरोट, अंजीर और मछलियाँ भी खाते हैं, और कभी कभी छोटे छोटे पक्षियों को भी खा लेते हैं। बियर्डेड वल्चर, बियर्डेड गिद्ध एकमात्र ऐसे गिद्ध हैं जो अपने भोजन में 70 से 90% तक हड्डियों को शामिल करते हैं, क्योंकि इनके पेट का डाइजेस्टिव सिस्टम इतना शक्तिशाली होता है कि किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट कर लेता है। ये हेजे और एंथ्रेस जैसी बीमारियों के कीटाणुओं को नष्ट करने की क्षमता भी रखते हैं। दोस्तों वैसे तो ज़्यादातर गिद्ध दिखने में भद्दे होते हैं, लेकिन गिद्ध की सबसे कलरफुल प्रजाति किंग वल्चर को ही माना जाता है। गिद्ध किसी ऊंचे पेड़ पर ही अपना घोंसला बनाते हैं और उसमें मादा गिद्ध 1 से 2 अंडे देती है। अगर हम इनके जीवन काल की बात करें तो इन पक्षियों का जीवन काल इनकी प्रजाति पर निर्भर करता है, यानी ब्लैक वल्चर का जीवन काल सबसे कम होता है, जो कि 10 साल का होता है, और वहीं किंग वल्चर का जीवन काल कम से कम 30 साल का होता है। दोस्तों गिद्ध का अस्तित्व हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि गिद्ध हमारी धरती की गंदगी को दूर करते हैं, लेकिन इनके बीमार जानवरों को खाने और मानव द्वारा इनके शिकार किए जाने से इनमें बहुत कमी आई है। दोस्तों आपको क्या लगता है, चील, बाज और गिद्ध में कौन सा पक्षी आपको अच्छा लगा, और इनमें से सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन सा पक्षी है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताना।